सबसे पहला नवरात्रे का व्रत, नवरात्रे की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम। अश्विन के नवरात्रे में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना की। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां शरण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे में एक दिन जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है जम के बोलो 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रे में 4 नवरात्रे में से किसी भी नवरात्रे में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चंदन देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र उड़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, पांचवे दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रे में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में एक, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे 9 रात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब अच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी तो 9 ही बार लपेटी जाएगी, 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं उसे? भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है, मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की।
कलश का अग्रभाग नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहां पर बाहर का हिस्सा होता है उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। नवरात्र का मतलब क्या होता है? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबुदाना का फरियाल कर लो, मोरधन चिप्स पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के ध्वजा उठा के चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ, क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए।